स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में क्रूड ऑयल को खरीदा है, जिसका बड़ा फायदा भारत को हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर भारत ने 40,965 करोड़ रुपए बचाए हैं, यानी इतनी बचत भारत को हुई है। पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध जो है वो रूस पर लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है और इस तरीके से भारत को ये बड़ा मुनाफा हुआ है। भारत ने रूस से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की खरीदी पर पिछले वित्त वर्ष में $5 अरब यानी करीब 40,965 करोड़ रुपए की रकम बचाई है। यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों की ओर से मॉस्को पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जिसके बाद रूस इस समय दुनिया में सबसे सस्ता तेल बेच रहा है। इसका फायदा उठाते हुए भारत ने 2022 से 23 जो बीता वित्त वर्ष है उसमें रूस से जमकर तेल की खरीदारी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 में भारत ने $162.1 अरब का कच्चा तेल खरीदा है। उस पूरे वित्त वर्ष में कच्चे तेल की कीमतें 75 से $130 प्रति बैरल थी। भारत ने बड़े चार देशों से औसत $685 प्रति टन के भाव से क्रूड ऑयल खरीदा था। अगर इसमें से रूस की खरीदी हटा दें तो ये कीमत $704 प्रति टन हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रूस से $615 प्रति टन के भाव से तेल खरीदा है, नाइजीरिया से $790 और इराक से $636 के भाव से तेल खरीदा गया है। इस तरह से रूस के सस्ते तेल से भारत ने $5 अरब की बचत की है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में यूक्रेन युद्ध से पहले रूस सबसे महंगा तेल देता था, लेकिन हालात रूस के साथ ऐसे बन गए कि उसे भारत को इतनी सस्ते दर पर तेल देना पड़ा, लेकिन युद्ध के बाद इसकी कीमतें कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 से 2016 में दुनिया में कच्चे तेल की औसत कीमत $324 प्रति टन थी, जबकि रूस में ये कीमत जो थी वो $483 पर थी। 2016 से 17 की अगर बात की जाए तो ये भाव $339 और $578, जबकि 2017 से 18 में $401 और $394 प्रति टन हो गया। 2018 से 19 में दुनिया में औसत कीमत जो थी तेल की वो $504 प्रति टन, जबकि रूस में $533 प्रति टन रही। 2019 से 2020 में ये कीमत 465 दुनिया में थी, लेकिन रूस में ये भाव जो है वो $489 प्रति टन का भाव रहा। यानी किस तरीके से एक वक्त पर रूस जो था वो महंगा तेल देता था, लेकिन अब यही क्रूड ऑयल वो भारत को सस्ती दर पर मुहैया करा रहा है। वजह बिल्कुल साफ है, रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध छिड़ रहा है, उसके चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि भारत पर भी ये पूरा दबाव बनाने की कोशिश हुई कि भारत रूस के साथ कोई व्यापार ना करे। अमेरिका जैसे देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और ये कोशिश की गई कि रूस से कम तेल खरीदे, लेकिन भारत ने इन सारे दबाव को दरकिनार करते हुए रिकॉर्ड मात्रा में तेल की खरीदारी रूस से की। दोनों देशों में फिलहाल रुपये और जो रूबल है, जो रूस की करेंसी है, उसमें व्यापार को लेकर भी बातचीत जो है चल रही है। और जैसे जैसे वक्त बीता भारत रूस का एक अच्छा साथी बन गया और यही वजह रही कि इस तरीके का ये व्यापार, ये कारोबार जो है देखने को मिला। तो कुल मिलाकर जो क्रूड ऑयल को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं इन तमाम पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री और रूस के बीच ये युद्ध के हालात बने हुए, इसका सीधा फायदा भारत को मिला है। भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल की सप्लाई की है। क्रूड ऑयल जिसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल को बनाने के लिए किया जाता है, और जाहिर तौर पर ये बड़ा फायदा भारत को हुआ है। और
आपको ये भी बता दें कि वैश्विक भाव से रूस की जो कीमतें थी वो कम रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2021 में दुनिया भर में औसत कीमत जो थी क्रूड ऑयल की वो $315 प्रति टन रही, तो रूस में ये कीमत जो है $342 प्रति टन रही। 2021 से 22 में भी ये ज्यादा रही, वैश्विक स्तर पर औसत कीमत $557 पर पहुंची, तो रूस में $572 पर पहुंच गई। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में ये वैश्विक स्तर की तुलना में रूस में कम हो गई। वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो $685 टन रही, तो वहीं रूस में ये कीमत महज $61 टन रही। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रूस को हालांकि भारी नुकसान इस पूरे संघर्ष के चलते, इस पूरे युद्ध के चलते हुआ, लेकिन मार्च 2023 में रूस से रोजाना 16 लाख बैरल क्रूड भारत आया। और वर्टेक्सा की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में रूस से रोजाना 16 लाख बैरल क्रूड भारत आया, अप्रैल महीने में ये मात्रा बढ़ गई और तकरीबन 20 लाख बैरल रोजाना जो है वो भारत आया है। भारत को तेल बिक्री के मामले में इराक और सऊदी अरब दूसरे और तीसरे स्थान पर आ गए। भारत को तेल बेचने के मामले में तेल उत्पादक ओपेक देशों की हिस्सेदारी घटकर जो है वो 40% रह गई और रूस से ज्यादा तेल खरीदने की वजह से ही भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार $40 अरब हो गया, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी ज्यादा था। तो इस तरीके से भारत और रूस के बीच बीते कुछ सालों में व्यापार बढ़ा है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल की खरीदारी की है। यूक्रेन युद्ध के बाद ही भारत पर पूरी तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश हुई कि रूस से कम तेल भारत खरीदे, लेकिन भारत इन तमाम दबावों में नहीं आया। और जाहिर तौर पर इस पूरे युद्ध के बीच भी भारत की तरफ से कई दफा शांति की पेशकश दोनों देशों से की गई। हालांकि इस बीच अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि भारत किसी भी तरीके से रूस के साथ व्यापार ना करे। तमाम बयान जो थे इन तमाम पश्चिमी देशों से सामने आए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ रूस के साथ जो अपने व्यापारिक जो द्विपक्षीय बातचीत थी वो जारी रखी, बल्कि यूक्रेन के साथ भी वो लगातार संपर्क में रहे। यूक्रेन से भी लगातार सीधी बातचीत उनकी हुई। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी एक नेतृत्व था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या यूं कहें कि एक मित्रता जो वो किसी भी देश के साथ लेकर चलते हैं उसका एक बड़ा फायदा भारत को हुआ है। और भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में ये क्रूड ऑयल की खरीदारी की है, इस कच्चे तेल को खरीदा है वो भी सस्ते दाम पर, और उसका फायदा भारत को तरीके से हुआ है कि दरअसल भारत ने 40,965 करोड़ रुपए इस दौरान बचाए हैं, वो भी तब जब कई देशों का दबाव भारत पर था, लेकिन भारत ने इस पूरे दबाव को दरकिनार करते हुए ये कहीं ना कहीं तमाम जो व्यापारिक समझौते हुए हैं उसका एक बड़ा लाभ भारत ने उठाया और भारत को इसका सीधा फायदा हुआ। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।